स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस। सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस में इवेंट्स विल बी गिवन, एनी काइंड ऑफ, यू हैव टू अरेंज। अरेंज मतलब ईयर वाइज भी हो सकता है, ठीक है। नंबर वन, मीटिंग ऑफ ए स्टेट जर्नल, मीटिंग ऑफ ए स्टेट जर्नल, एग्जीक्यूशन ऑफ किंग एंड क्वीन, एग्जीक्यूशन ऑफ किंग एंड क्वीन, लुई 16 बिकेम किंग ऑफ फ्रांस, लुई 16 बिकेम किंग ऑफ फ्रांस, राइन ऑफ टेरर, राइन ऑफ टेरर, राइन ऑफ टेरर एंड नेपोलियन कोड, नेपोलियन कोड, इसको पहले तो ईयर लिखो, कोड COD, इसको ईयर लिखो पहले, और जब ईयर लिखोगे तो ही आप इसको मैच कर पाओगे प्रॉपरली। हरी अप, राइट डाउन द ईयर, राइट डाउन द ईयर, हरी अप। एंड रेज योर हैंड आफ्टर कंप्लीटिंग, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एज वेल एज ऑफलाइन, लेट्स सी हु विल कंप्लीट फर्स्ट। डन, हाँ जी गुरपाल, इवेंट बताओ बच्चे लोग। ईयर 1774, हाँ जी, देन इन द ईयर 1789 5th मई, हाँ जी, थर्ड, यस, इन द ईयर 1793, देन राइन ऑफ टेरर आगे होगा ना, 1793 टू 1794, देन नेपोलियन कोड, वेरी गुड। और ईयर भी आ सकता है आपको, सीक्वेंस भी आ सकता है, अरेंज भी आ सकता है। नेपोलियन कोड 1804, ओके। रेकॉग्नाइज द कंट्रीज, रेकॉग्नाइज द कंट्रीज विच वर नेबर ऑफ फ्रांस, different kind of countries will be given, you have to recognize the neighbor. Number one, Prussia, recognize the neighboring countries of France, Prussia, Italy, Hungary, Hungary, HUNGRY, Hungary, and Switzerland. Right answer, Russia. इसमें आप किस लाइन में आपने पढ़ा है, जिस लाइन में आपने ये पढ़ा कि किंग लुई 16th ने क्या किया, ही मेट विद द सीक्रेट नेगोसिएशंस विद द प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। यहाँ पे अगर प्रशिया की जगह ऑस्ट्रिया होता तो भी करेक्ट होता। नेबरिंग कंट्रीज आपने उस टाइम की बतानी है कि जिनके साथ मिलकर लुई 16th ने अपनी ही कंट्री के ऊपर अटैक का प्लान किया था, ठीक है। नेक्स्ट, विच वर द ग्रुप्स वर नॉट सेटिस्फाइड, विच वर द ग्रुप्स वर नॉट सेटिस्फाइड विद द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, विच वर द ग्रुप्स वर नॉट सेटिस्फाइड विद द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर वन, फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट, ऑल ऑफ द अबव,
हाँ ठीक है, ऑल ऑफ द वर्ब का मतलब होता है कहीं ना कहीं सबको ही प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? अब फर्स्ट स्टेट को क्या प्रॉब्लम थी? क्लर्जी पीपल नाउ दे हैव टू गिव अप देयर प्रॉपर्टी एंड देयर प्रॉपर्टी वॉज द डिक्लेयर एज द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, क्योंकि अब फ्यूडल सिस्टम और जो सिस्टम था टाई सिस्टम था अबॉलिश कर दिया था, तो अब उनकी इनकम का जो रिसोर्स था वो कम हो गया। सेकेंड थी नॉबल्स एंड किंग, प्रिविलेजेस को क्या कर दिया? अबॉलिश कर दिया और एस्टेट सिस्टम को खत्म कर दिया, तो देवर नॉट हैप्पी। थर्ड स्टेट में भी कुछ विमेन थी, कुछ मैन थे जिनकी एज 25 से कम थी, देवर नॉट हैप्पी बिकॉज देवर नॉट गिवन राइट टू वोट, देवर डिक्लेयर्ड एज पैसिव। सो कहीं ना कहीं ऑल वर देवर हैविंग सम काइंड ऑफ यू कैन से एग्रेशन टूवर्ड्स दिस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? और लोग अभी भी कहते थे कि ये शायद रिच को फेवर करता है, थर्ड स्टेट के लोगों को लगता था कि ये जो है ये रिच पीपल को फेवर करता है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हर ग्रुप को कोई ना कोई प्रॉब्लम थी इसमें। ठीक है, वो तो एमसीक्यूज में आना, जो आना एमसीक्यूज है, एक्सप्लेनेशन तो है ही नहीं आपको, जो है वो आपने मार्क करना, टिक करना, मतलब रिकॉग्नाइज करना है अपने स्टेटमेंट। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट मैं आपको गवर्नमेंट के सीक्वेंस बता रही हूँ, आपने मुझे बताना है कि फ्रांस में किस सीक्वेंस में हुआ। डायरेक्टरी, डायरेक्टरी, मिलिट्री डिक्टेटरशिप, डायरेक्टरी, मिलिट्री डिक्टेटरशिप, मोनार्की, रिपब्लिक, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इसमें कोई ईयर नहीं बताना आपने, आपने बस ये अरेंज करना है पहले कौन सी गवर्नमेंट हुई, बाद में कौन सी हुई। सीक्वेंस में मतलब ग्रुपिंग में कुछ भी आ सकता है, लाइक 1 2 3 4 5, 2 1 4 5 इस तरह से, या 5 4 1 3 2। आपने सीक्वेंस में बताना है। हाँ जी, यस धैर्य। नंबर वन मोनार्की, जब सिर्फ किंग था। नंबर टू, जब किंग के साथ क्या बना? कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर थ्री, नहीं, नंबर थ्री रिपब्लिक, जब किंग को किसने मारा? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, तो उसका रूल कौन सा था? रिपब्लिक। फोर्थ, हाँ, रिपब्लिक में मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को क्या कर दिया? गिलोटिन कर दिया। अब लोगों का फेथ उठ गया वन मैन पर्सन से, नाउ दे बिलीव्ड इन शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन डिफरेंट रूलर्स। Then how many rulers were given powers? 5 directors. तो directory rule आया। Directory rule में directors आपस में लड़ते रहते थे, इसलिए किसने फायदा लिया इसका? Napoleon Bonaparte, military dictator, ऐसे। अब parliament को sequence में करो। Number one, convention. डायरेक्टर विद लेजिस्लेटिव काउंसिल, टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। नंबर वन रिपब्लिक में, सॉरी कन्वेंशन, पार्लियामेंट का नेम कर रहे हैं हम। नंबर वन कन्वेंशन, नंबर टू डायरेक्टर विद टू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, नंबर थ्री एस्टेट जर्नल, नंबर फोर नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली, अब करो इसको सीक्वेंस में। नंबर वन कौन सी आएगी? एस्टेट जर्नल। किंग ने किसकी मीटिंग बुलाई थी पहले? एस्टेट जर्नल। नंबर टू, बाद में इसका नेम चेंज कर दिया, किंग ने ही नेम चेंज किया, उसको क्या कर दिया? हाँ, वो उसमें रशियन में नेशनल असेंबली। थर्ड कन्वेंशन, कन्वेंशन किसके अंडर थी? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के अंडर। एंड उसके बाद डायरेक्टरी रूल आया, डायरेक्टर विद द टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। नेपोलियन बोनापार्ट के टाइम में पार्लियामेंट नहीं थी, क्योंकि वो डिक्टेटर था। डिक्टेटर मतलब होता है जैसे हिटलर, जिसके अंडर पार्लियामेंट हो ना हो एक बराबर होती है। ठीक है, आगे आ जाओ। टेनिस कोर्ट, CORT, टेनिस कोर्ट ऑथ पास, टेनिस कोर्ट ऑथ
प्लेज लेती है ना जिसमें ओथ, पासिंग ऑफ डेक्री, डेक्री का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑर्डर, पासिंग ऑफ डेक्री नंबर वन टेनिस कोर्ट ऑथ, नंबर टू टू पासिंग ऑफ डेक्री, नंबर थ्री सिविल कोड, नंबर थ्री सिविल कोड, नंबर फोर मीटिंग ऑफ एस्टेट जर्नल, मीटिंग ऑफ एस्टेट जर्नल। अब इसको सीक्वेंस में करो, पहले मीटिंग हुई, उसके बाद मीटिंग से बाहर आकर उन्होंने क्या किया, ऑथ ली, उसके बाद यस जब रिवोल्ट हुआ तो रिवोल्ट के बाद किंग को क्या करना पड़ा, असेंबली के साथ मिलकर उन्होंने क्या पास किया, रिटर्न ऑर्डर, जिसमें फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया, एंड लास्ट लास्ट सिविल कोड जब नेपोलियन बोनापार्ट आया। ठीक है, अब आ जाओ, फ्रेंच वुमेन गॉट राइट टू वोट, फ्रेंच वुमेन गॉट राइट टू वोट, ये बच्चे तभी प्रैक्टिस होगी जब आपको इवेंट सारी लर्न होंगे ना, फ्रेंच वुमेन गॉट राइट टू वोट, एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी फॉरएवर, फॉरएवर का मतलब हमेशा के लिए, जब हुआ एबॉलिशन का मतलब होता खत्म कर देना, एबॉलिशन फिनिश कर देना, एबॉलिशन, एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी फॉरएवर, देन डेथ ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट, डेथ ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट, देन बैटल ऑफ वॉटरलू, बैटल ऑफ वॉटरलू, वॉटरलू, ठीक है, नंबर वन, नंबर वन पहले क्या हुई, बैटल हुई, ठीक है 1815, डेथ कब हुई 1821, नेपोलियन बोनापार्ट की डेथ हुई 1821, देन थर्ड 1815, देन अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी 1848, एंड फ्रेंच वुमेन गॉट राइट टू वोट 1946, हमारी इंडिपेंडेंस के एक साल पहले फ्रेंच वुमेन गॉट राइट टू वोट 1946। नेक्स्ट, रिकॉग्नाइज द कंट्रीज हु डिफीटेड नेपोलियन स्लेवरी 1848, रिकॉग्नाइज द कंट्री विच डिफीटेड नेपोलियन बोनापार्ट। मैंने आपको फोर कंट्रीज करवाई हुई हैं, या तो आप उन कंट्रीज को याद करो या ग्रुप में उसको रिकॉग्नाइज करना। नंबर वन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, अमेरिका, ऑस्ट्रिया, कंट्री चार ग्रुप, उनके नाम याद रखने हैं, कैसे याद कर सकते हो, बी आर पी ए, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, आज के टाइम पर भी प्रशिया कहीं नहीं है, सर्च करोगे ना वेयर इज प्रशिया, प्रशिया नहीं है, इसका नेम क्या था पहले, जर्मन, जर्मनी, ए फॉर ऑस्ट्रिया, कई बच्चे ऑस्ट्रेलिया कर देते हैं, ऑस्ट्रिया अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रिया इज अ पार्ट ऑफ यूरोप, ऑस्ट्रेलियन सेपरेट कॉन्टिनेंट इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, इसको याद करो, दीज वर द कंट्रीज Who made collective group to defeat the Napoleon Bonaparte? अगर ये countries इकट्ठी ना होती, अलग अलग होती, तो कभी Napoleon Bonaparte को हरा ना पाती। तो इन countries ने आपस में group बनाया, and 10th में ना बच्चे यही पढ़ोगे आप, हमारा first chapter, कि जब Napoleon Bonaparte को हरा दिया, उसके बाद इन चारों countries ने France का क्या किया? They divide the areas, and according to that, these countries, Britain में monarchy थी, रशिया में मोनार्की, सॉरी रशिया में भी उस टाइम पीरियड में किंगशिप थी,
देन प्रशिया में भी किंगशिप थी, ऑस्ट्रिया में भी किंगशिप थी। इन्होंने पता क्या किया, लुई 16 की डेथ के बाद, जब लुई 16 की तो डेथ हो गई थी ना, नेपोलियन बोनापार्ट बाद में किंग बना, उसी डायनेस्टी, डायनेस्टी का नाम क्या था, बर्बन डायनेस्टी। बर्बन डायनेस्टी के ही एक और रिलेटिव लुईस 18, उसको उन्होंने क्या बना दिया, फ्रांस का किंग, एंड ही एक्ट एज अ पपेट। लुईस 18, कंफ्यूज मत होना, मैं जस्ट आपको वैसे ही बता रही हूँ, ये टेंथ में आपने पढ़ना है। लुईस 17, लुईस 18 उनको छोड़ दिया ना, दे वर नॉट कैपेबल उस टाइम तक। रिलेटिव्स मतलब नेम दे दिया गया ना, नेम तो कुछ भी होगा, टाइटल दे दिया गया लुईस 18। तो ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया ने क्या किया, नेपोलियन को हरा देने के बाद लुईस 18 यानी कि बर्बन डायनेस्टी को वापस ले आए। आप खुद सोचो कि जिस फ्रांस ने कितना स्ट्रगल किया, पहले मोनार्की, फिर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, उसके बाद रिपब्लिक, रिपब्लिक के बाद डायरेक्टरी, डायरेक्टरी के बाद मिलिट्री रूल, मिलिट्री रूल के बाद फिर से क्या आ गया, मोनार्की सिस्टम। और वो भी ऐसा किंग जो कि पपेट था, किनके हाथ में, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया के हाथ। तो ये सारा उसके बाद फिर हम 10th क्लास में पढ़ते हैं। हाँ जी, वो तो बात की बात है ना, तो हम तो हिस्ट्री पढ़, जैसे इंडिया, सपोज फ्रांस के लोग इंडिया के बारे में पढ़े तो वो पढ़ेंगे कि इंडिया वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ सल्तनत पीरियड, देन मुगल डायनेस्टी, देन ब्रिटिशर्स, एंड फाइनली गेन इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1909। तो उनके लिए हमारी स्टडी जो है वो कितनी डिफिकल्ट हो, और उससे भी पहले, सल्तनत से भी पहले, व्हेन मेनी टर्क्स एंड फ्रॉम पीपल दे केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया, अलेक्जेंडर ही आल्सो अटैक ऑन आवर कंट्री। तो दिस इज अ वेरी, यू कैन से, डिफिकल्ट हिस्ट्री हमारी इंडिया की। सेम जब हम किसी और कंट्री की हिस्ट्री पढ़ते हैं ना ईयर वाइज, तो लिटिल बिट ये डिफिकल्ट होता है, लेकिन जब आप उसको सीक्वेंस में अरेंज करोगे ना तो इट विल बी इजी फॉर यू। ठीक है, देन हाँ जी, इसके बाद टैक्स, अलग अलग तरह के टैक्स आपने रिकॉग्नाइज करने, रिकॉग्नाइज द डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, टाइट, TITHE, टाइल, इफ लाइक फोर ऑप्शंस विल बी देयर, व्हिच इज डायरेक्ट टैक्स, टाइल, क्या था ये, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स। ठीक है, अगर मैं आपको ये कहूं कि इसमें से रिकॉग्नाइज करो, रिलीजियस टैक्स, अगर मैं ये कहूं कि आउट ऑफ दीज विच टैक्स वॉज इम्पोज, वेट, आई, आउट ऑफ दीज विच टैक्स वॉज रिलेटेड विद द चर्च, हाँ, टाइम। तो हाँ, हर एक किसी भी तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं, बस उनको थोड़ा ये देखो कि आपको रीडिंग करनी है, थॉरो रीडिंग। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइड, वन टेंथ ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, यानी कि किसी भी फार्मर की जितनी भी इनकम होती होगी, उस इनकम को 10 से डिवाइड करके जो भी अमाउंट होती होगी, वो अमाउंट उसको किसको डिपॉजिट करनी पड़ती होगी, चर्च को। एंड टाइल था इनकम टैक्स, इनकम टैक्स का मतलब ये चर्च कलेक्ट करता था और ये कलेक्ट करती थी गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट को देना पड़ता था। सपोज ये हो गया फर्स्ट एस्टेट, ये किसको हो गया, सेकेंड एस्टेट। ठीक है, टाइल, जैसे सपोज हमारी इनकम है, आपके पेरेंट्स की इनकम है, पूरी ईयर की जो इनकम होती है उसका कुछ परसेंट एज अ इनकम टैक्स देना पड़ता है। हाँ जी गुरुपाल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर्टी टैक्स एंड इनकम टैक्स, ओके, सपोज हमारी जितनी भी प्रॉपर्टी है ना, आपकी, सपोज आपके अपनी जो है वो हाउस है, ठीक है, या प्लॉट है, तो ईयरली जितनी भी कैलकुलेशन है ना, उसका कुछ परसेंट आपके पेरेंट्स जो है वो एज अ क्या देते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स। ठीक है, एंड जो आपके पेरेंट्स इनकम अर्न कर रहे हैं उसके ऊपर भी कुछ टैक्स देते हैं। तो आपको सोचो, वैसे अप्रोक्सीमेटली पूछना अपने पेरेंट्स को कि आप एनुअली कितना टैक्स पे करते, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। सेम आप उस कंडीशन में देखना कि जिस टाइम पीरियड में फार्मर्स को कितना मुश्किल होगा टैक्स पे करना, और वो भी वो टाइम जिसमें फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट वर एग्जेम्प्टेड। एग्जेम्प्शन का मतलब क्या होता है, दे वर नॉट पेइंग, जो रिच थे दे वर नॉट पेइंग टैक्स,
एंड द बर्डन ऑफ टैक्सेस वर ओनली ऑन थर्ड स्टेट. थर्ड स्टेट में चाहे वो रिच है चाहे पुअर है, डजंट मेक एनी डिफरेंस. थर्ड स्टेट का मतलब सबको ही पे करना पड़ता. दिस वॉज अ मेन प्रॉब्लम. ठीक है, आगे आ जाओ बुक्स के बारे में. फिलोसफर्स बुक्स के नेम है, आपने रिकॉग्नाइज करना. स्पिरिट ऑफ लॉस, स्पिरिट ऑफ लॉस, मॉन्टेस्क्यू. जस्ट लिख लो बुक के नेम ना, तो आपको पता होना चाहिए. स्पिरिट ऑफ लॉस, मॉन्टेस्क्यू. टू ट्रिटीज ऑफ गवर्नमेंट, जॉन लॉक. सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रूसो. सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रूसो. अब आइडियोलॉजी देखते हैं. आइडियोलॉजी नंबर वन, इन विच बुक सेपरेशन ऑफ पावर्स वर एक्सप्लेन. स्पिरिट ऑफ लॉस ऐसे. इन विच बुक सेपरेशन ऑफ पावर्स वर एक्सप्लेन. स्पिरिट ऑफ लॉस. इन विच बुक थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट वॉज रिफ्यूट. रिफ्यूट का मतलब उसको अपोज किया गया. टू ट्रिटीज ऑफ गवर्नमेंट, जॉन लॉक ने इसको रिफ्यूट किया था. He refuted the theory of divine right. Rousseau ने क्या लिखा था उसमें. In which book it has been prescribed that government is a contract between the people and representative. Government बीच में है. Government is a contract between people and representative. लोग किसको चुन के भेजते हैं? Representatives को. Representatives फिर क्या बनाते हैं? Laws बनाते हैं. Abacius, who wrote what is the third estate? Abacius, who wrote what is the third estate? Who were called Sansculottes? Very good. Members of Jacobin Club. अगर साथ में एक और ऑप्शन आ जाए, people from third estate, people from third estate. किसके? Sansculottes का मतलब होता है those without knee breeches. जो knee breeches नहीं पहनते थे. अगर वो ये नहीं पहनते तो क्या पहनते थे फिर? Long trousers, stripe with red cap. किसकी तरह दिखते थे वो? Dockyard workers. Dockyard क्या होता है? Dockyard is a place where ships are loaded and unloaded. Dockyard workers कौन होते हैं? जो loading unloading का काम करते हैं. और ये basically किस state से थे? Third state. तो Jacobin Club के member ने ऐसी dress पहनना prefer किया क्योंकि knee breeches उस time period में nobles पहनते थे. वो अपने आप को nobles fashionable society से अलग show करना चाहते थे. That's why they prefer to wear yes. नी ब्रीचेस नहीं, लॉन्ग स्ट्राइप ट्राउजर्स विद रेड कैप. थर्ड में तो सारे ही थे. थर्ड में तो रिच भी थे. जैकोबिन क्लब, जैकोबिन क्लब, विमेन क्लब भी था. हाँ जी, रेड कैप लिबर्टी, विमेन क्लब भी था. सोशलिस्ट एंड रेवोल्यूशनरी विमेन क्लब भी था एक. ओलंपिया डी गॉज ने इसको बनाया. She favored for the women right, but she was executed under which ruler? Maximilian Robespierre, under reign of terror. Okay, out of these who were not guillotined? Write down, out of these who were not guillotined. Number one, Olympe de Gaulle. Number two, Louis XVI. Number three, Marie Antonio. Number four, Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte. He was killed in a war. Punishment, guillotine का मतलब होता है kind of punishment. बच्चे listen, net में search करोगे ना the date of execution of king and the way. तो जिस way में हमको दिखाया गया ना वो guillotine machine ही है. इसका मतलब क्या है कि guillotine तो पहले से ही था और king और queen को same वैसे ही guillotine किया गया. लेकिन वो तब होता था जब कोई क्रिमिनल को किया जाता था. लेकिन रॉबेस्पियर ने इसको हर एक के लिए कंपलसरी कर दिया. राइन ऑफ टेरर. एंड ही हिमसेल्फ वाज गिवन
दैट पनिशमेंट गिलोटिन. हु इन्वेंटेड गिलोटिन? डॉक्टर गिलोटिन. सोशलिस्ट एंड रेवोल्यूशनरी ओलंपिया डी गॉल्स. Which was the national anthem of France? Marseillaise. National anthem of France, Marseillaise. Name the place where first time national anthem was sung. Marseillaise. Who composed Marseillaise? Roge de Isle. Okay. Who was the leader of National Assembly? Mirabeau and Abbassieh. अगर one पे होगा Mirabeau, two पे होगा Abbassieh, तो option में होगा both A and D. अगर इनमें से चारों में से कोई एक option होगा तो you have to recognize any one. Mirabeau and Abbassieh. What was the age of the king when he married Marie Antonio? 20 years. What was the unit of currency of France? Livre. Roge de Isle. Place का name था Marseille. गाया था Marseille से, इसीलिए इसका नाम पड़ गया उस जगह से Marseille. मार्सिले है कौन सी सिटी में? पेरिस. पेरिस कहाँ पे है? कंट्री का नेम क्या है? फ्रांस. ओके. विच इज नॉट द पैलेस? पैलेस ऑफ वर्साई, पैलेस ऑफ वर्साई, पैलेस ऑफ ट्यूलरिस, ड्यूमा. ड्यूमा क्या कह रही है? पार्लियामेंट ऑफ रशिया. ओके. विच वॉज फॉर्म आउट ऑफ थ्री? Which palace was formed out of three? Bastille. तो Bastille क्या था? Fort भी था, किला भी था, prison भी थी. यानी कि इस Bastille में एक तो arm and ammunition को store किया जाता था और उस time period में जो political prisoners को capture करके यहाँ पे रखा जाता था. So that's why it stood as a despotic powers of the king. यानी कि लोगों को लगता था despotic का मतलब होता है unlimited. कि king जो चाहे कर सकता है. और ये Bastille को देख के लोग हेट करते थे इस फोर्ट को, क्योंकि उनको ये लगता था कि इसमें वो सारी चीजों को स्टोर किया गया है जो कॉमन लोगों के अगेंस्ट क्या की जा रही है, यूज की जा रही है, वेपन से आर्म्स एंड एमिनेशन था. एंड लोगों को ये लगता था कि हमसे टैक्स कलेक्ट करके ये खरीदा जाता. सो दिस इज द वे व्हाई दे अटैक पैलेस ऑफ Bastille. हाँ जी हर्षित, स्टैंड अप. नोबडी विल हेल्प. ये एक बेसिक क्वेश्चन है एंड आपकी बुक की फर्स्ट लाइन. एग्जैक्ट डेट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. बस ईयर. तो आप कंफ्यूज क्यों हुए? फिर बोलो ना. 14 जुलाई 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन उस दिन हुआ जिस दिन लोगों ने Bastille को डिमोलिश कर दिया. 14 जुलाई 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन की इंपॉर्टेंट डेट. और कंफ्यूज हो रहा था. ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड. अभी भी वही है, Marseille ही है. ब्रिटेन का पता कौन सा? गॉड सेव आवर क्वीन. क्वीन तो नहीं है. गॉड सेव आवर क्वीन. ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड इंक्लूड विच थ्री कॉन्टिनेंट्स? अफ्रीका. सबसे पहले ट्रेवल कहां से करते थे फ्रेंच सेलर्स? फ्रांस से, यूरोप से. तो यूरोप कॉन्टिनेंट का अगर नाम आएगा तो यूरोप. यूरोप से कहां पे आते थे? अफ्रीका. अफ्रीका में क्या करते थे? दे बॉट स्लेव्स. वहां से स्लेव्स को खरीदते थे, नीग्रोस को खरीदा जाता था. शिप्स में इनको जंजीरों में बांधकर कहां पे जाते थे इनको लेकर? कैरिबियन आइलैंड्स, मतलब नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका. अमेरिका ही नहीं आएगा क्योंकि उस टाइम पर में अमेरिका एक ही था. देन वहां पर उनको बेचा जाता था.
और उनसे वहां पे प्लांटेशन में काम करवाते थे, क्योंकि कोई लेबर उस टाइम पर में उन एरियाज में जाने को रेडी नहीं थी. सो दैट्स व्हाई दीस पीपल वर टॉर्चर्ड एंड एक्सप्लॉयटेड. एंड उसके बाद वहां पर जो भी ग्रो होता था उसको बेचने के लिए कहां पे लेकर आते थे, यूरोप एंड टू अदर कंट्रीज. सो दैट्स व्हाई ट्रायंगुलर्स का मतलब क्या होता है, जहां पे थ्री कंट्रीज, थ्री पार्टीज, थ्री कॉन्टिनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. तो रिकॉग्नाइज द ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड. कॉन्टिनेंट्स आएगा तो आपने रिकॉग्नाइज करना है किस किस को, यूरोप, नंबर टू अफ्रीका, नंबर थ्री अमेरिका. अगर आपको आता है नेम द इम्पोर्टेंट पोर्ट्स कौन से फ्रांस के थे जहां से वो आते थे, बॉर्डे एंड नांते. पोर्ट्स के नेम याद रखो, पोर्ट्स ऑफ फ्रांस जहां से फ्रेंच सेलर्स आते थे अफ्रीका. बॉर्डे एंड नांते ये पोर्ट्स थे बेटा जहां से फ्रेंच सेलर्स फ्रांस से आते थे अफ्रीका. पहले हम मैप में करवाते थे ना, तो ये आपको फ्रांस का मैप भी आता था. वैसे मैं आपको जो फ्रांस का मैप है ना वो आपको मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करती हूँ. आपको पता होना चाहिए कि बॉर्डे कहाँ पे है, नांते कहाँ पे है, मार्सिले कहाँ पे, प्लेसेस का पता होना चाहिए. क्लियर, आई विल सेंड, मेरे को याद करवा दूंगी. हाँ जी, एनी डाउट? हाँ जी,